मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। मतलब इतिहास हमें अतीत में जो घटित घटनाएं हैं उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास हमें अतीत में प्राप्त उत्खनन से जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उसका परीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तत्पश्चात हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ऐसा मेरा अतीत का इतिहास रहा होगा। इतिहास हमें हमेशा अतीत से ही प्राप्त होता, अतीत से ही हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। इसीलिए कहा गया विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत पहले आता है ब्राह्मण साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत, जिसको हम पहले देशी ग्रंथ के विषय में बताएंगे। देशी ग्रंथ दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, पहला है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ आते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहला है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है बौद्ध ग्रंथ, तीसरा है जैन ग्रंथ की जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथ से मिलती है। दूसरा है गैर धार्मिक ग्रंथ, जिसको लौकिक ग्रंथ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ व जीवनियां आती हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, गैर धार्मिक यानी लौकिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है, ऐतिहासिक ग्रंथ की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ हमें कहाँ से मिलते हैं, जो अतीत में बीते हुए समय में जो कुछ हमें बीते हुए काल से समय से जानकारी मिलती है, हम उसको ग्रंथों में संकलित करते हैं, उससे जानकारी मिलती है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, जो आधा ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक होते हैं, मतलब कि प्रामाणिक नहीं। और जीवनियां, जिसके विषय में जैसे कोई महापुरुष हुए, कोई किसी की जानकारी हुई, उसकी जीवनियों से हमें जानकारी जो मिलती है उसी को हम व्यक्त करते हैं। अब आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत निम्नवत शामिल है, पहला है श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद आते हैं। श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा है स्मृति ग्रंथ, जिसके अंतर्गत वेदांग सूत्र, स्मृत महाकाव्य। महाकाव्य सिर्फ हमें दो, पहला है रामायण और महाभारत, वह पुराण की जानकारी मिलती है। स्मृत ग्रंथ के अंतर्गत हमें क्या किसी जानकारी मिलती है, वेदांग अवलिक सूत्र की। स्मृत महाकाव्य, महाकाव्य के अंतर्गत हमें दो महाकाव्य, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत से जानकारी मिलती है, वह पुराण। संहिता या वेदों की संख्या, पुराण संहिता, वेदों की संख्या कितनी, चार वेद है, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्वेद। अब आइए हम कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तीन है, पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रा का विवरण, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी हमें किस तीन स्रोतों से मिलती है, पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण, तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। अब आइए साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हमें किन किन साहित्यों की जानकारी मिलती है, पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या प्राप्त होता है,
पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत किसकी किसकी जानकारी हमें मिलती है? पहला है वेद, जिसको कहते हैं ज्ञान। दूसरा है उपनिषद, जिसको हम समीप बैठना, मतलब गुरु के समीप हम बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उपनिषद के अंतर्गत आता है। तीसरा है आर्यणय ग्रंथ, चौथा है पुराण, पांचवा है स्मृति ग्रंथ, छठा है रामायण, सातवां है महाभारत। अब आइए लौकिक लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है जीवनी ग्रंथ, तीसरा है गल्प साहित्य। अब आइए विदेशी यात्रा विवरण के अंतर्गत, मतलब हमारे यहाँ कौन कौन विदेशी आए, जो हमारे विदेशी जो राजा आए अपने साथ साथ लेखक को भी लेके आए थे, विदेशी राजा जो रहते थे वो क्या उनका क्रियाकलाप था, कैसी सभ्यता संस्कृति, क्या कार्य प्रणाली थी, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। विदेशी यात्रा विवरण में पहले हैं यूनानी रोमन लेखक, दूसरे हैं चीनी लेखक, तीसरे हैं अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत आने वाले विद्वान हैं, पहले हैं टेसियस जो कि ईरान का रहने वाला है, दूसरे हैं हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान। सिकंदर जब भारत आया था तो अपने साथ लेखकों को लाया था, विद्वान लेखकों को, जिसमें नियारकस था, अनेसिक्रिटस था एवं अरिस्टोबुलस था। सिकंदर के साथ आने वाले तीन विद्वान थे, नियारकस, अनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस। उसके बाद आता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन लिखा था? इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। उसके बाद आते हैं विद्वानों में डाइमेकस आते हैं, उसके बाद आते हैं डायनोसियस। क्या आता है? डायनोसियस। उसके बाद आते हैं टालमी। टालमी जो है ज्योग्राफी के लेखक हैं, जो इतिहास का जियोलॉजी होता है, भौगोलिक जानकारी देने के लिए टालमी को आए थे। टॉलमी ज्योग्राफी के लेखक है, प्लीनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक है। उसके बाद आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखकों में सबसे पहले आए थे फाहियान, उसके बाद दूसरे नंबर पर आए थे सुंग युन, तीसरे नंबर पर आए थे वेनसांग, चौथे नंबर पर आए थे इत्सिंग। और अगले लेखक है अरबी लेखक। अरबी लेखकों में दो लेखक आए थे, पहले तारानाथ, दूसरा अल्बरूनी। तारानाथ तिब्बती कंग्यूर व तंग्यूर के लेखक थे, और अल्बरूनी कौन लिखा? तहकीके हिंद के लेखक थे। इसके बाद आता पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं? पहला अभिलेख, दूसरा मुद्राएं, तीसरा स्मारक भवन जिसको आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी कहते हैं, चौथा है मूर्तियां, चित्रकला। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम अभिलेख की जानकारी मिलती है, मुद्रा से जानकारी मिलती है, स्मारक भवन से जानकारी मिलती है, मूर्तियों और चित्रकला से जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है वेद। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में से माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, इसको नॉलेज कहते हैं। इनमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती? आर्य जो बाहर से आए थे, भारत में बसे थे। ये चार प्रकार के होते हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है।
इसकी रचना सप्त सैंदव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 श्लोक होते हैं, जिसके अंतर्गत 1017 सूक्त तथा 11 बालखिल्य होते हैं तथा लगभग 10,600 मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद में किस किस की रचनाओं का संकलन है? ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है। पुरुष सूक्त का उल्लेख हमें किस मंडल मिलता है? 10वें मंडल में, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है, जिसको कहता है ओम भूर्भुवस्व तस्विदुर्वर्ण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। सूर्य की आराधना, सूर्य की स्तुति के लिए हम इसी मंत्र को पढ़ते हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यज का अर्थ है ज्ञान। इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। यज्ञों के द्वारा हमें यजुर्वेद में नियम व विधि की चर्चा के विषय में बताया गया है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। जैसे पूजा पाठ कर्मकांड हम करते हैं, किस तरह करते हैं, उसका उल्लेख हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को, इसका पाठ करने वाले, पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मणों को या पुरोहितों को अर्धवर्यु कहा गया है। क्या कहा गया? अर्धवर्यु कहा गया है। यजुर्वेद 2 भागों, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है जिसको कहते हैं गद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में लिखा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में लिखा गया है, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में विभक्त है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। यही वेद यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। तीसरा है साम वेद। साम शब्द का अर्थ गीत है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको साम गीत कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। किसका स्रोत माना जाता है? भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। संगीत का स्रोत का हमें साम वेद से प्राप्त होता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता। अगला है अथर्ववेद। अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू है। अथर्व शब्द का तात्पर्य क्या है? पवित्र व जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन। इसमें राजा परीक्षित को कुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में किस किस चीज जानकारी मिलती है हमें? अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र व जादू है। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित को कुओं का राजा कहा गया है। अब आता है अगला कि वेद, उपवेद व विवरण। जो हमें वेद प्राप्त हुए 4, उसको उपवेद को किस नाम से जानते हैं, उसके प्रणेता कौन है और उसमें क्या विवरण दिया गया। जैसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। जो आयुर्वेद की जानकारी हमें मिलती है यह ऋग्वेद के अंतर्गत मिलती है। इसके प्रणेता कौन है? धन्वंतरी। इसमें किस चीज का विवरण या उल्लेख किया गया है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, यानी आयुर्वेद की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जिसका उपवेद आयुर्वेद है। इसके प्रणेता धन्वंतरी है। इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा है यजुर्वेद।
यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसके प्रणेता कौन है? विश्वामित्र। इसमें किस चीज का विवरण हमें प्राप्त होता है? युद्ध कला से संबंधित, युद्ध की कलाओं के विषय में जानकारी हमें किससे मिलती? यजुर्वेद से। तीसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद किसे कहते हैं? गांधर्व वेद को। प्रणेता कौन है? भरत मुनि। इसमें किस चीज का विवरण है? कला एवं संगीत से संबंधित। अगला है चौथा अथर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद किसे कहते हैं? शिल्प वेद को। उसके प्रणेता कौन है? विश्वकर्मा। इसमें किस चीज का विवरण प्राप्त होता है हमें? भवन निर्माण कला से संबंधित। अब अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है? प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। वेद जैसे वेद ब्राह्मण, ऋग्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है? कौशितकी व ऐतरे ब्राह्मण की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ जानकारी मिलती है? तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण की। सामवेद में हमें किस ब्राह्मण की जानकारी मिलती है? पंचविश व जैमिनी ब्राह्मण की। अथर्ववेद में किस ब्राह्मण की जानकारी मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ जानकारी मिलती है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की। अगला है आरण्यक। आरण्यक शब्द अर्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल वन। जैसे पहले ऋषि मुनि कहा ज्ञान प्राप्त करते जंगल में, वन में, यह किसके अंतर्गत है? आरण्यक। आरण्यक शब्द अर्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल आब्लिक वन। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिनके विषय आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि, इसके अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिनके विषय आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि की जानकारी हमें आरण्यक ग्रंथ से मिलती है। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे। यह ग्रंथ ऋषि मुनि कहाँ लिखते थे? जंगल के शांत वातावरण में। जहाँ शांत वातावरण रहता है वहीं यह आरण्यक ग्रंथ ऋषि मुनि लिखते थे। एक ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता था। इनका अध्ययन कहाँ किया जाता था? जंगल में किया जाता था। आरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु को कार्य करते हैं। इसके बाद आता उपनिषद। इनका शाब्दिक अर्थ है उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। उपनिषद के अंतर्गत उपनिषद की शिक्षा हम कैसे लेते हैं? इनका गुरु के समीप जो शिष्य एकांत में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है, समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है, उसको वह उपनिषद के अंतर्गत आता है। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में, इसमें आत्मा एवं ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो उपनिषद के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अगला है वेदांग। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है जिसके अंतर्गत शिक्षा वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। कल्प के अंतर्गत क्या आता है?
वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम। व्याकरण, अगला है व्याकरण। इसमें नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। अगला है निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है किसको? निरुक्त को। अगला है छंद, वैदिक साहित्य ने गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष के अंतर्गत क्या आता है? वेदांग में इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष शास्त्र का विकास दिखाया गया, इसके प्राचीन आचार्य लगथ मुनि थे। अब अगला है सूत्र, यज्ञों के विधा के नियमों का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। ये चार प्रकार के हैं। कल्प सूत्र कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। पहला है श्रौत सूत्र, इनमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित श्रौत जिसको वैदिक कहते हैं, अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ, यज्ञादिक अनुष्ठानों का वर्णन है। अगला है गृह सूत्र, इनसे मनुष्य के समस्त लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। कर्तव्यों का वर्णन, इसमें गृह अग्नि में होने वाले यज्ञों का तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण है। इसमें हमें किन किन चीजों का विवरण मिलता है? इसमें गृह अग्नि में होने वाले यज्ञों का, अग्नि में जिस प्रकार हम होने वाले यज्ञों का, तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण है। धर्म सूत्र में क्या क्या मिलता है? इनमें चार वर्णों तथा चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का वर्णन करता है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप एवं राजनैतिक क्रियाकलापों के कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का वर्णन करता है। शूर्व सूत्र में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? इनमें वेदी निर्माण की रीत का विशेष रूप से वर्णन है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामितीय संबंधी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने के कारण इनका अपना वैज्ञानिक महत्व है। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। इनमें सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इसमें सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण किसको माना जाता है? मत्स्य पुराण को, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। इसमें मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। पुराण और राजवंश, किस पुराण के अंतर्गत किस कौन सा राजवंश आता है, उसके स्रोत की जानकारी। उसका पहला है विष्णु पुराण के अंतर्गत हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण के अंतर्गत हमें आंध्र यानी सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वाय पुराण के अंतर्गत हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब आइए खड़ दर्शन, अगला है। यह आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु से संबंधित है। खड़ दर्शन की जानकारी हमें, खड़ दर्शन के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है? आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु से संबंधित जानकारी मिलती है। दर्शन और प्रवर्तक,
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वादरायण व्यास है। अगला है, अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पहला है सर्ग, जिसके अंतर्गत जगत की सृष्टि। दूसरा है प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। उसके बाद तीसरा है वंश, ऋषियों व देवताओं की वंशावली। वंश के अंतर्गत क्या मिलता है हमें? ऋषियों व देवताओं की वंशावली। चौथा है मनवंतर, जिसके अंतर्गत हमें महायुग की जानकारी मिलती है। पांचवा है वंशानुचरित, जिसके अंतर्गत हमें प्राचीन राजकुलों के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशत सहस्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसे क्या कहते हैं? चतुर्विंशत सहस्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, अगला है महाभारत, इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत हमें किन किन चीजों की जानकारी मिलती है? निस्रोत की जानकारी। इन ग्रंथों को धर्म शास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत हमें किन किन चीजों की जानकारी मिलती है? इन ग्रंथों को धर्म शास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियां निम्न है। पहला है मनुस्मृति, जो सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है वह मनुस्मृति है। दूसरा है विष्णु स्मृति। तीसरा है याज्ञवल्क्य की स्मृति। चौथा है गौतम स्मृति। पांचवा है नारद स्मृति। छठा है वशिष्ठ स्मृति। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। इसके प्रमुख टीकाकार कौन है? भारुचि, मेधातिथि, गोविंद राज व कुल्लुक भट्ट थे। अगला है ब्राह्मणेतर साहित्य, इसके अंतर्गत आता है। पहला है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत किन किन चीजों की जानकारी हमें प्राप्त होती है? महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात, यानी मोक्ष के पश्चात, उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया, जो जिसको त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अवधम्म पिटक के नाम से विख्यात हुआ है। विनय पिटक के अंतर्गत हमें किस चीज जो जानकारी मिलती है? इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम व आचार की शिक्षाएं हैं। इसके संकलनकर्ता उपाली थे। विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? उपाली थे। सुत्त पिटक अगला है। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत हमें किस चीज जानकारी मिलती है? त्रिपिटक में सबसे बड़ा, यानी तीनों पिटकों में सबसे बड़ा तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाता है? सुत्त पिटक, जिसमें इसके संकलनकर्ता आनंद थे। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक में हमें धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित है। इसके संकलनकर्ता मोगली पुत्र तिस्स थे। इस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, यानी संस्कृत भाषा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? अभिधम्म पिटक में।
पुस्तिकों में विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत में हुआ। अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में बौद्धों के तृतीय संगीत में हुआ, जिसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तिस्य थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तिस्य थे। त्रिपिटकों की भाषा पाली थी। त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश तथा मिलिंद यहाँ बौद्ध ग्रंथ थे। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। धन्यवाद।